अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ सुमेरा, वेलकम टू कुकनोलॉजी। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त, यम्मी, टेस्टी और बहुत ही जूसी मटन चॉप्स। ये मैरिनेटेड मटन चॉप्स के लिए सबसे पहले एक ख़ास किस्म की मैरिनेशन तैयार करूंगी, फिर उसके बाद मैं इनको बेक करूंगी। इस रेसिपी से थोड़ी स्पाइसी मटन चॉप्स बनेंगी। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो आप मसाला थोड़ा कम कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, एंड तक देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। चलें तो फिर शुरू करते हैं। मैरिनेशन बनाने के लिए आधा कप दही लिया, एक चाय की चम्मच सुरख मिर्च तेज़ वाली, एक चाय की चम्मच खड़ा मिर्च, एक चाय की चम्मच नमक, एक चाय की चम्मच धनिया पाउडर, एक चाय की चम्मच गरम मसाला और एक चाय का चम्मच जीरा और आधी चाय का चम्मच दालचीनी पाउडर, डेढ़ खाने का चम्मच लहसुन अदरक कुटी हुई, एक खाने का चम्मच लेमन जूस। बस इन सबको अब अच्छे तरीके से मिक्स करना है। दो खाने का चम्मच मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी और दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। तकरीबन 1.5 किलो मेरे पास मटन चॉप्स हैं। इन मटन चॉप्स को अच्छे तरीके से इस मैरिनेशन में डिप कर देना है। बहुत अच्छे तरीके से इनको लगाना है हाथों की मदद से। अब इनको मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। बेकिंग ट्रे में अच्छे तरीके से ऑयल ब्रश करना है। ऑयल ब्रश करने के बाद इस तरीके से मटन चॉप्स इसमें रख देनी है ट्रे में। बाकी जो भी मैरिनेशन बाउल में बची है मैंने इस तरीके से ऊपर डाल दी है। ऊपर से मैंने दोबारा से थोड़ा थोड़ा ऑयल स्प्रे कर दिया है। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए 250 सेंटीग्रेड पे। बस अब ये चॉप्स मैंने ओवन में रखी। 10 मिनट बाद मैंने हीट रिड्यूस कर दी है, 250 से मैंने 180 पे कर दी है और 180 डिग्री पे मैंने 50 मिनट तक बेक किया है। 30 मिनट के बाद मैंने सारी चॉप्स को फ्लिप कर दिया था एहतियात से। बहुत ही ज़बरदस्त मटन चॉप्स रेडी हो चुकी हैं। देखें, बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी, जूसी, टेस्टी मटन चॉप्स रेडी हो चुकी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।